नमस्कार दोस्तों, अमेजन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट यानी वर्षावन है, जो दक्षिणी महाद्वीप के बहुत ही बड़े भूभाग के ऊपर फैला हुआ है। और आपको बता दें कि अमेजन जंगल को हमारी पृथ्वी का लंग्स यानी फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेजन के जंगलों से ही प्राप्त होता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि अमेजन जंगल इतना बड़ा है कि इसमें हमारा भारत देश 2 बार फिट हो सकता है, क्योंकि यह जंगल 55 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका से ब्राजील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर अमेजन जंगल कोई देश होता तो यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अमेजन जंगल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे और अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं कि अमेजन जंगल किन किन देशों के अंदर फैला हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें करीबन 60% हिस्सा ब्राजील, 13% पेरू और 10% कोलंबिया, और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, वेनेजुएला, बोलिविया, सुरीनाम और फ्रेंच गुयान में फैला हुआ है। और इसी से पता चलता है कि यह जंगल कितना बड़ा और विशाल है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर जितने भी जीव है उनमें से 1/3 तो केवल अमेजन के जंगलों में ही देख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेजन के जंगलों में पेड़ों की संख्या अरबों खरबों के अंदर है, जिसमें 17,000 से ज्यादा पेड़ों की अलग अलग प्रजातियां इस जंगल के अंदर पाई जाती है। और सबसे खास बात तो यह है कि यह पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि सूर्य की रोशनी भी धरती तक नहीं पहुंच पाती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह जंगल कितना डरावना और खतरनाक है। क्या आप इस जंगल में जाना चाहोगे, हमें कमेंट के अंदर जरूर बताना। लेकिन क्या आपको पता है कि विश्व में जितने भी जंगल है उनका 62% हिस्सा सिर्फ केवल अमेजन फॉरेस्ट का है। और इतना ही नहीं, अमेजन का जंगल पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का 4% हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही अमेजन जंगल के अंदर एक नदी बहती है जिसका नाम अमेजन नदी है, और इस नदी के बारे में भी इतने रहस्य हैं जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। क्या आप जानते हो कि अमेजन फॉरेस्ट के उत्तर में बहने वाली अमेजन नदी जंगल के बीच से होकर गुजरती है। इसे अमेजन का ऑक्सीजन भी कहा जाता है। यह नदी कई सारे जलमार्गों का एक नेटवर्क है। और बता दें कि अमेजन नदी नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और इस नील नदी की लंबाई 6,400 किलोमीटर है। और अपवाह तंत्र के हिसाब से अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी वर्षा के दौरान बहुत ही भयंकर हो जाती है, और कहीं पर तो ये नदी 190 किलोमीटर तक चौड़ी भी हो जाती है, जिसके कारण इस नदी का एक छोर से दूसरा छोर भी दिखाई नहीं देता है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का 20% ताजा पानी सिर्फ अमेजन नदी में ही पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, यह नदी दुनिया की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी है। इसमें अन्य नदियों का भी बहुत योगदान होता है। अमेजन नदी में 1100 से अधिक सहायक नदियां अपना पानी लाकर इसके अंदर छोड़ती है, जिनमें से 17 नदियां 1000 मील से भी ज्यादा लंबी है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमेजन नदी इतनी बड़ी और विशाल होने के बावजूद भी इस नदी के ऊपर एक भी ब्रिज या पुल नहीं है। लेकिन अमेजन का जंगल एक बेहद ही समृद्ध इकोसिस्टम से लैस है। यहाँ पर करीब 40,000 पौधों की प्रजातियाँ, 17,000 पेड़ों की प्रजातियाँ, इसके साथ ही 1300 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ, और साथ ही लगभग 500 से अधिक स्तनधारी जानवरों की प्रजातियाँ अमेजन जंगल के अंदर पाई जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेजन जंगल के अंदर पूरे विश्व की 10% जीव जंतुओं की प्रजातियाँ पाई जाती है, जिसमें 25 लाख तरह के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, 5,000 से भी अधिक प्रकार की मछलियाँ पाई जाती है, और 3,000 से भी ज्यादा केवल स्पाइडर यानी कि मकड़ियों की प्रजातियाँ पाई जाती है, जो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन यह जंगल इतना खतरनाक और घना होने के बावजूद भी इस जंगल के अंदर एक शहर बसा हुआ है, जिसका नाम एक्वाटोस सिटी है, जहां तक पहुंचने के लिए कोई भी रोड नहीं है, इसलिए इसे सीक्रेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि यह सिटी अमेजन वर्षा वन के बीच काफी दुर्गम स्थान पर बसी हुई है, जिसकी आबादी लगभग 4 लाख से ज्यादा है। बताया जाता है कि अमेजन के जंगल की खोज आज से
करीबन 11,200 वर्ष पहले हुई थी और अमेजन जंगल का अस्तित्व लगभग 6 करोड़ साल पहले का है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह जंगल कितना पुराना हो सकता है। अब बात करते हैं कि अमेजन जंगल के अंदर कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है। तो गाइस, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेजन जंगल बाहरी दुनिया के लोगों के लिए बेहद ही खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे खतरनाक कबीले और आदिवासी जनजातियां इस जंगल में निवास करती है, जिन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई बाहरी व्यक्ति उनके इलाके में आकर ताक झांक करे। लेकिन क्या आपको पता है कि कई लोग ऐसे भी हैं जो इस जंगल में जाने के इच्छुक थे, लेकिन इस जंगल में जाकर अपनी जान गंवा चुके हैं, क्योंकि अमेजन जंगल में लगभग 400 से 500 आदिम जनजातियां रहती है। माना जाता है कि इनमें से 50 जनजातियां ऐसी है जिनका बाहरी दुनिया से किसी तरह का कोई भी संपर्क नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमेजन नदी इतनी बड़ी है, लेकिन क्या इसे कोई तैरकर पार कर सकता है? तो दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। 2007 में मार्टिन स्टेल नाम के एक शख्स ने अमेजन नदी की पूरी लंबाई को तैरकर पार किया था। इसके साथ ही अपनी इस शानदार जंगल यात्रा को पूरा करने के लिए मार्टिन लगभग 66 दिनों तक प्रतिदिन 10 से 12 घंटा पानी में तैरा करते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट के पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों की मोटाई के कारण जंगल का अधिकांश भूभाग अंधेरे से ढका रहता है, और यह जंगल इतना घना है कि जब बारिश होती है तो बारिश के पानी को जमीन तक पहुंचने में लगभग 10 मिनट का समय लग जाता है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हो कि यह जंगल कितना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जहां पर प्रकाश की किरणें ना पहुंचे, जहां पर वर्षा का पानी पहुंचने में 10 मिनट का समय लग जाता है, आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो जगह इंसान के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन इसके साथ ये एक सुकून भी प्रदान करती है, जहां पर मेरे जैसे लोग जिनको अकेले रहना पसंद है वो जाकर मौज मस्ती कर सकते हैं, लेकिन वो भी अपनी रिस्क पर। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेजन जंगल के बारे में कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता, वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ और मैं आज आपको बताने वाला हूँ। क्या आपको पता है कि अमेजन के जंगल में एक ऐसी नदी भी है जिसका पानी 110 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म रहता है? कभी कभी यह पानी उबलता हुआ दिखाई देता है। यदि गलती से कोई इंसान इस नदी में चला जाए, उसी क्षण उसकी जान चली जाती है। और दोस्तों, जिस भी शख्स ने इस नदी की खोज की थी, वह इस नदी को देखकर उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि आज तक इससे पहले कहीं पर भी गर्म नदी कहीं नहीं देखी गई थी। क्या आपको पता है कि अमेजन जंगल में पाए जाने वाले कुछ ऐसे फलों की प्रजातियां भी हैं जो इंसान के खाने योग्य हैं? दुनिया की एक चौथाई पश्चिमी दवा अमेजन जंगल की सामग्री से बनाई जाती है, क्योंकि अमेजन जंगल के अंदर लगभग 70 से 80% औषधीय पौधे मौजूद है, और ये औषधि इतनी मजबूत और कारगर है कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के खिलाफ उपयोग किए जाते हैं। तो आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट के अंदर जरूर बताना। इसके साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे अमेजन जंगल में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में, और इसका दूसरा पार्ट जल्द ही आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।